दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम अपने व्हाट्सएप को जैसे ही ओपन करता हूँ दोस्तों हमारा व्हाट्सएप जो है वो फिंगरप्रिंट से अनलॉक होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा व्हाट्सएप कोई भी पिन पैटर्न लॉक यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, और जब तक दोस्तों हम फिंगर को टच नहीं करेंगे तब तक दोस्तों हमारा व्हाट्सएप जो है वो अनलॉक नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे फिंगर को टच कर लेते हैं और हमारा व्हाट्सएप जो है ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अपने मोबाइल में कैसे अपने व्हाट्सएप को ओनली फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर पाएंगे। तो दोस्तों हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप वीवो V29e मोबाइल में व्हाट्सएप पर ओनली फिंगरप्रिंट लॉक कैसे सेट करेंगे। उसके लिए दोस्तों आप अपने मोबाइल की व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ही ओपन कर लेना है। जैसे ही व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे दोस्तों आपके मोबाइल में कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाता है। आपको दोस्तों यहाँ पे 3 डॉट के साइन पे क्लिक करना और सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने पहले से ही दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे उसके सामने अनलॉक विद फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, उसके सामने टिक ऑन किया है और यहाँ पे इमीडिएटली के ऑप्शन पे क्लिक किया है। तो आपको भी यही करना है सेम जो मैंने किया है, और इस यहाँ पे ऑफ रहेगा, इसको ऑन कर देंगे। जैसे ही ऑन करेंगे आप अपने मोबाइल में फिंगर को टच करेंगे तो दोस्तों आपका वेरीफाई हो जाएगा। इस तरीके से आपका वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पे आपको इमीडिएटली पे ही क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर देंगे आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो आपका व्हाट्सएप ओनली फिंगरप्रिंट से ही अनलॉक होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।